छत्तीसगढ़ के तीर्थराज शिवनारायण में प्रतिवर्ष लगने वाला माघ पूर्णिमा मेला इस वर्ष कोविड-19 के पालन करते हुए 15 दिन तक लगेगा। यहां दूरदराज से आने वाले दर्शनार्थियों, दुकानदारों और तमाशबीनों के लिए सुरक्षा और डॉक्टरों की भरपूर व्यवस्था की जा रही है। बताया गया कि मेले के दौरान आने वाले दुकानदारों का कोविड टेस्ट होने के बाद दुकान लगाने की अनुमति दी जाएगी। साथ ही अन्य वर्ष जो दुकान सघन रूप से लगाई जाती थी, इस वर्ष उन दुकानों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों अनुसार लगाने की प्लानिंग की जा रही है, ताकि छत्तीसगढ़ की संस्कृति को वैश्विक महामारी के अनुरूप संचालित किया जा सके। इसके लिए जिला कलेक्टर यशवंत कुमार के निर्देश पर अनुविभागीय दंडाधिकारी मेनका प्रधान, तहसीलदार प्रकाश कुमार साहू एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी जितेंद्र यादव के साथ नगर पंचायत अध्यक्ष अंजनी मनोज तिवारी के साथ समस्त पार्षदों ने मेला स्थल का निरीक्षण कर जायजा लिया। सर्वविदित इस बार माघ पूर्णिमा का शाही स्नान 28 फरवरी को आयोजित होगा। इस दौरान छत्तीसगढ़ के साथ ही साथ देश भर के दर्शनार्थी भगवान शिवनारायण का दर्शन करने के लिए नगर में पधार रहे हैं। इसके लिए नगरवासियों ने भी अपने स्तर पर वैश्विक महामारी को देखते हुए सभी श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्था कर रखी है, ताकि मेला सुचारू रूप से सम्पन्न हो सके। लगने जा रहा है, क्या व्यवस्था है आपकी? शिवनारायण मेला जो हर साल की तरह लगता है, इस बार लगाया जाना है, तो उसी के तारतम्य में जिलाधीश महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि कोविड नॉर्म्स का पूर्णतः पालन किया जाना है, जिसमें दुकानों के मध्य दूरी बना के रखनी है, जितने भी आने वाले लोग हैं अदर स्टेट से उनका कोविड टेस्ट रिपोर्ट लाना अनिवार्य है, और मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग किया जाना है, और पर्याप्त सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। तो उसी के अंतर्गत अभी कैसे इन सबको फॉलो किया जाए उसकी तैयारी